डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले के वीडियो में आप पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले कर्ता हमें रखना है, कर्ता के बाद हमें हैड का प्रयोग करते हुए नॉट का प्रयोग करना है और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है। जैसे ममता नहीं सो चुकी है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है ममता, पहले लिखा हमने, फिर उसके बाद में नियम में लिखा हुआ हैड, तो हमने हैड लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, वर्ब है सोना, तो थर्ड फॉर्म होगी स्लेप्ट, तो ममता हैड नॉट स्लेप्ट, पूरा सेंटेंस बना ममता हैड नॉट स्लेप्ट। एक अन्य उदाहरण देखें, हमने ऐसा मूर्ख लड़का पहले कभी नहीं देखा था, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा हमने, अर्थात हम की हो गई भी हैड। अब कभी नहीं शब्द आया हुआ है, तो कभी नहीं के लिए नॉट तो लगाते नहीं, क्या लगाते हैं, नेवर, तो हमने यहाँ पे लगाया नेवर, वी हैड नेवर, फिर क्रिया है देखना, थर्ड फॉर्म लगाई हमने सीन, वी हैड नेवर सीन सच, ऐसा के लिए हमने लगाया सच। मूर्ख लड़का फुलिश बॉय, और पहले के लिए हमने लगाया बिफोर। पूरा सेंटेंस हमारा बना वी हैड नेवर सीन सच ए फुलिश बॉय बिफोर। एक अगला उदाहरण देखें, मेरे आने से पूर्व नहीं सो चुकी थी, तो मेरे आने से पूर्व वह नहीं सो चुकी थी। आप देखिए इसमें दो क्लास हैं, दो कार्य हुए हैं और एक कार्य पहले समाप्त हो चुका है, दूसरा बाद में। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, वह नहीं सो चुकी थी, ये पहले हुआ है, तो इसका हमने पहले सब्जेक्ट रखा शी हैड नॉट स्लेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, सी हैड नॉट स्लेप्ट। अब पहले या पूर्व के लिए बिफोर लगाते हैं, हमने बिफोर लगा दिया, और दूसरे वाक्य करता है मेरे, अर्थात मैं की हो गई आई, आना वर्ब है सेकेंड फॉर्म हो गई केम, सी हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। मेरे आने के बाद वह नहीं सोई थी। अब देखिए इस वाक्य में बाद दिया है, हमने नियम में आपको बताया था बाद, पश्चात, उपरांत की लगा हो, तो जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पहले बनाते हैं, लेकिन उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाएगा। वह नहीं सोई थी, सब्जेक्ट में है वह, तो हो गया शी, डिड नॉट, अब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लगता है, डिड नॉट, सी डिड नॉट स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आफ्टर, बाद के लिए हमने लगाया आफ्टर, फिर पहले जो उपवाक्य है मेरे आने के बाद, इसमें एक सब्जेक्ट हमारा है मेरे, अर्थात मैं की हो गई आई, हैड कम, यानी जो कार्य पहले समाप्त हुआ था उसको हमने बनाया पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ था उसको बनाया हमने पास्ट इंडेफिनिट में। एक नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे सोमवार तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था, तो तक के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में टिल का प्रयोग करते हैं, तक के लिए टिल का प्रयोग करते हैं, तो उसे सोमवार तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा उसे है, तो हो गया ही हैड नॉट, फिर क्रिया है मिलना यानी रिसीव्ड, थर्ड फॉर्म हो गया रिसीव्ड 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 रिसीव्ड, तुम्हारा पत्र ऑब्जेक्ट है तुम्हारा पत्र, तो योर लेटर, और तक के लिए हमने लगाया टिल मंडे, ही हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल मंडे, पूरा सेंटेंस आपका बन गया। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, तो प्रश्नवाचक वाक्य आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला फर्स्ट टाइप देखें, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं उनका बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, सबसे पहले हम लगाएंगे
हैड हो, उसके बाद कर्ता रखेंगे, कर्ता के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर कर्म का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि वाक्य में दो कार्यों का वर्णन है तो जो पहले रूल आपने पढ़े हैं उसी के अनुसार हम इसे बनाएंगे। ये सेंटेंस देखें, उदाहरण दिया हुआ है, क्या उसके आने से पहले तुमने पत्र लिखा था? तुमने पत्र लिखा था, अब क्या लगा हुआ है पहले, तो क्या के लिए हम हैड लगाते थे, हैड यहाँ लग गया। फिर सब्जेक्ट हमने लिखा तुमने अर्थात यू। क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखना हो गया रिटन, राइट रोट रिटन, पत्र अ लेटर, पहले के लिए हमने बिफोर लगाया और फिर जो बाद में काम हुआ उसका करता है उसके अर्थात वह, वह की हो गई ही, वर्ब है आना तो सेकंड फॉर्म हो गई केम। पूरा सेंटेंस हमारा बना हैड यू रिटन अ लेटर बिफोर ही केम। एक अन्य उदाहरण देखें, क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी? अब इस वाक्य में बाद शब्द आया है, बाद उपरांत की शब्द आते हैं तो जो बाद में कार्य समाप्त तो होता है उसका अनुवाद हम पहले करते हैं, तो क्या घंटी बजी थी इसको हम पहले बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज करते हैं, यहाँ डिड का यूज हो गया पहले, फिर सब्जेक्ट को रखा द बेल रिंग, आफ्टर, अब दूसरे उपवाक्य का जो करता है तुम्हारे अर्थात तुम तो हो गया यू, हैड लगाया हमने, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच डू स्कूल, डिड द बेल रिंग आफ्टर यू हैड रीच द स्कूल। पूरा वाक्य बना डिड द बेल रिंग आफ्टर यू हैड रीच द स्कूल। अब दूसरे प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं सेकेंड टाइप के, जिन्हें हम डब्ल्यू एच टाइप कहते हैं, इन वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य में आता है, तो पहले हम उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो रूल है इसका क्वेश्चन वर्ड, जो प्रश्नसूचक शब्द होगा उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, सबसे पहले हमें लगाना है प्रश्नसूचक शब्दों को, उसके बाद हैड रखते हुए कर्ता को रखेंगे, कर्ता को रखने के पश्चात जो मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके बाद कर्म को रखते हुए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये दो कार्यों वाले वाक्य हैं, उनको भी उसी नियम से बनाएंगे। जैसे देखें, हमारे आने से पहले वह कहाँ चला गया था, तो पहले लगा हुआ है तो इस वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आता है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद आप पहले करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य पहले बनाते हैं। तो इसमें देखिए कहाँ शब्द आया है, पहले हमने उसे लिखा वेयर, उसके बाद हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट को रखा ही गॉन, वेयर हैड ही गॉन, उसके बाद पहले के लिए हमने क्या लगाया बिफोर, और दूसरे उपाय का करता हमारे अर्थात हम का हो गई वी, और क्रिया है आना तो आने की सेकंड फॉर्म हो गई केम। पूरा सेंटेंस हमारा बना वेयर हैड ही गॉन बिफोर वी केम। एक एग्जांपल और देखें, तुम्हारे आने के बाद उसने क्या खाया था, तो बाद शब्द लगा हुआ है तो जो कार्य बाद में हुआ है उसका अनुवाद हम पहले करेंगे, उसने क्या खाया था, तो क्या के लिए हमने लिखा व्हाट, डिड सी ईट, और फिर यहां पर आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर व्हाट डिड सी ईट आफ्टर यू हैड कम। पूरा वाक्य बना व्हाट डिड सी ईट आफ्टर यू हैड कम। नोट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में कर्ता के बाद नॉट बढ़ा देते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में कर्ता के बाद नॉट को हम बढ़ाते हैं। जैसे तुमने 5 बजे से पहले अपना काम पूरा क्यों नहीं कर लिया था, तो पहले शब्द लगा हुआ है, जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे हम पहले बनाएंगे, अपना काम पूरा क्यों नहीं कर लिया था, तो क्योंकि हो गई वाई हैड, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे यू, अब दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही सेम है तो यू हो गया,
नॉट लगाया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, योर वर्क, फिर बिफोर 5 o'clock, पूरा सेंटेंस हमारा बना वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर 5 o'clock। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स हैं, इन्हें आप ध्यान से अध्ययन करेंगे क्योंकि इनका विशेष महत्व है। हमने बताया है, आपको पहले भी बताया है कि यदि आप कोई स्टोरी बनाते हैं तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के वाक्य अधिक होते हैं। दैट्स ऑल। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन